हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नुपुर शर्मा के केस को ऑलमोस्ट अब 2 महीने हो गए हैं और उस दौरान हमने ये देखा कि कन्हैया लाल, जिनको बुरी तरह से जबा कर दिया गया, उनकी मौत से एक्चुअली चंद दिन पहले एक और बंदे थे जिनका नाम था उमेश खोली, उनको भी मार दिया गया। मगर ये तो 2 ऐसे केसेस है जो हमारे सामने आए, इसके अलावा भी चंद लोगों की मौत की खबर आई। एक और बंदा था जिसके दोस्त उसको लेकर गए और उसका बुरी तरीके से रेप किया और फिर उसको मार दिया। मगर नुपुर शर्मा के केस के दौरान बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया पे नुपुर शर्मा की तस्वीरें भी लगाई थी और आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का ट्रेंड भी चलाया था और स्टेटसेस भी डाले थे। तो अब क्या हर कोई जिसने वो स्टेटस डाला था सपोर्ट का, उसको अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए? तो ऐसे ही चंद लोग हैं जिन्होंने इसी तरह के स्टेटसेस डाले और उनको कॉलें आई हैं, और वो मैं चंद कॉलें ऐसी हैं जो मैं आपके लिए यहाँ चलाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और किस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, उनके दिलों में दहशत डाली जा रही है। हाँ जी भैया, हाँ मैंने बोला, कौन बात कर रहे हैं भैया? हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी में आ गया, आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या, हमको तो पूरा गांव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले, मैं तो देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बना, कैसा बनाया, हाँ हाँ वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं, क्या बोल रहा ना तुम, अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। मैं और 4 मिनट में ही मैंने उसको डिलीट कर दिया था, 6 लोगों ने देखा था। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, मुझसे गलती हुई है, आगे से ख्याल करूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, पूरे समाज से माफी। राजीव मिर्जा बात कर रहा हूँ सर, रेलवे रिप्लाई नंबर होती है सर। सर आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था सपोर्ट नुपुर शर्मा करके, तो सर उसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं, वजह कुछ नहीं है। तो सर आप जैसा इसका स्टेटस रख रहे तो इसकी तो कुछ तो वजह होंगी। नहीं, स्टेटस अच्छा लगा इसे रख रहे। नहीं अच्छा लगा बोले, आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नुपुर शर्मा को, आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा, उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नदी के सामने गुस्ताखी करी, तो सर मेरे लिए तो सारे लोग सरीके भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग सरीके, हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लग रहा हो। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लग रहा है सर, हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ऐसे स्टेटस से। बन निकल देते सर आपको, और हम अकेले अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। सर निकाल देते स्टेटस में। हाँ जी भैया, हाँ मैंने बोला, कौन बात कर रहे? जय मोहन से बोल रहा हूँ भैया। हाँ वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी में आ गया, आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। चारों से वहाँ पर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों, मैंने बोला फिर मेरी बात सुनो सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात, किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा मैं उसकी माफी चाहता, जैसा माफी मांगा वैसे मांगना पड़ेगा ना, तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो को। बाबा बोल रहा है? हाँ बाबा, हाँ भाई जी। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या, हमको तो पूरा गांव चलता।
भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या भैया? नहीं बोले मैं तो देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। सुनो तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ, गोपाल राठी ने कैसा बनाया वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, भेज देता। मैंने अपना कल आई सपोर्ट नूपुर शर्मा करके स्टेटस रखा था, इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उनके उन सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी इसकी गवाही देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह की खतरनाक और दिल दहलाने वाली ये कॉल्स हैं जो लोगों के पास जा रही हैं, तो उसके बाद एक बंदा करे तो क्या करे? ऑब्वियसली उसने जाके माफी मांगनी है, क्योंकि कोई भी रैशनल बंदा जिसका दिमाग होगा वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए या उसको मार दिया जाए, उसको अपने बच्चे पालने, उसको अपनी फैमिली पालनी है। तो इंडिया अब किस रोड की तरफ निकल चला है? ये ब्लास्फेमी का जो लॉ था और ये दहशत जो थी, इसको हमने पाकिस्तान में आग को फैलते हुए देखा है और इस आग में सब जल रहे हैं और यही आग अब इंडिया में भी पहुंच गई है और थोड़ी अरसे में ये आग जो है कनाडा, अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में भी फैल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, उसके साथ साथ मुझको जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि आगे इंडिया में क्या होने वाला है, इंडिया का फ्यूचर क्या है, इंडिया में जो हिंदूज हैं या जो और दूसरी माइनॉरिटीज हैं उनका फ्यूचर क्या है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।